बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह के हां तौबा की कबूलियत से मुतालिक सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के हां जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से कियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मगफिरत कहां से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिंसा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूं। चुनांचे इसने 100 का हिंसा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी यह ख्याल था कि मेरी मगफिरत की कोई ना कोई शक्ल जरूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए जमीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फला जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलम साहिब के पास जाकर अपनी जिंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुना दिया। क्या के अब बतलाइए कि तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। या अल्लाह के हां, जे जैसे गुनागार के लिए भी गफरत का कोई खाना है। तो इस आल साहिब को चूंकि अल था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुना आफ करने अल्लाह के हां कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमतुल्लाह तेका सीन दर तुझ जैसे गुनागारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहिब ने इसे मशवरा दिया कि तुम फुला जगह सफर करके जाओ, वहां कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की मुआफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्क अलमौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसीलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो, जहां से आ रहा है इसकी मुसाफत करीब है या जहां जा रहा है वहां की मुसाफत। लिहाजा जहां की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहां वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की जे ये नाप कर देखी गई तो जहां जा रहा था वहां की साफत जहां से आ रहा था उसके काबल्य सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फैसला हुआ के का छोटी से का इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसीलिए रहमतुल्लाह ते के फरिश्तों को इसको ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी गफरत का ऐलान हो गया। एक रवायत आता है कि कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फर अती हैं कि हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फर आलिफ के है
से ये जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब लुक अल ओत आया तो वो शख्स सीने के बिल इस सर्स यन की तरफ घसीटता चला गया। हदीस कुदसी आता है कि अपने बंदे के साथ इसके गी उनके ताबिक होता हूं और वो जहां भी याद करे इसके साथ हूं। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी ते से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान गे होकर फिर उसे लाम जाए और जो शख्स एक बालिश्त तरफ आता है एक हाथ उसके करीब हो जाता हूं और जो शख्स एक हाथ वे करीब आता है इसके एक बायानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दर यान की साफत के करीब जाता हूं और जब वो तरफ चल कर आता है तो इसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला जरूर कबूल फर अल्फीगा। इंशाअल्लाह यह वाकया खुसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और उनित का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब इवसी की जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि शैतान उन्हें एविस करता है। बहरहाल गुनाहगार को शैतान की बातें आकर एविस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की रहमतुल्लाह तेसे अच्छी अलिफ यद रखकर सच्ची तौबा के जरिए अपने आप को पाक व साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला है सबको ऐन लाम करने की तौफीक अताफर अलिफी आ यन लगते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।